सर्दियों का मौसम हो तो चटपटा खाने का मन किसका नहीं करता, तो इसी बात पे आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चौपाटी वाली आलू टिक्की चाट की रेसिपी। इस रेसिपी को मैंने हमारे घर में अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स के साथ ही बनाया है, तो इस तीखी चटपटी चाट को आप जरूर ट्राई करिएगा। बच्चे हो या बड़े, सभी को ये आपकी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे वीडियो पे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं रेसिपी की ओर। तो आलू टिक्की बनाने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले लेना है 5 उबले हुए आलू। तो आलू को हम सबसे पहले ग्रेट कर लेंगे। तो इस तरह से आप ग्रेटर की हेल्प से पूरे आलू को आप ग्रेट कर दीजिए। देखिए इस तरह से आपको ग्रेट कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आलू जो है इसे मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। तो नेक्स्ट हम इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट। सॉल्ट आपको एज पर टेस्ट लेना है, मैंने यहाँ पर 2 चम्मच लिए हैं। और उसी के साथ हम यहाँ पर डाल देंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। यहाँ पर मैंने यूज़ किया है 1 कप भिगोया हुआ पोहा। पोहा से जो है वो आपके टिक्की को बहुत अच्छी बाइंडिंग हो जाएगी। चाहे तो आप यहाँ पर कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं या तो ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर हेल्दी ऑप्शन चूज़ किया है। अब उसी के साथ हमको यहाँ पर डाल देना है 1 छोटा चम्मच रेड चिली पाउडर और 1/2 चम्मच यहाँ पर हम ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर। और हल्दी पाउडर के साथ ही हमको यहाँ पर ऐड कर देना है 1 चम्मच कोरिएंडर पाउडर। 1 छोटा चम्मच आपको यहाँ पर ले लेना है चाट मसाला। और इसी के बाद हम इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर और 1 छोटी चम्मच हमने जीरा पाउडर यहाँ पे लेना है। और उसी के साथ 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी लेंगे और 1 छोटा चम्मच गरम मसाला हमको लेना है। और उसी के साथ यहाँ पर फ्रेश कोरिएंडर डाल दीजिए। और अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिला देना है। तो आलू के साथ आप सारे मसालों को अच्छे से मिला दीजिए। यहाँ पर हमने इसे अच्छे से मिला दिया है, तो इसका आप एक पोर्शन ले लीजिए। और सबसे पहले तो आप एक लड्डू बना लीजिए। तो इस तरह से आपको एक लड्डू बना लेना है। तो दोनों हथेलियों की हेल्प से आपको इसे हल्का सा प्रेस करते हुए इसका एक लड्डू बना लेना है। तो ऐसा एक राउंड शेप दे दीजिए और इसके बाद आपको बिल्कुल हल्का सा इसे ऐसा प्रेस कर देना है और फिंगर की हेल्प से आपको इसे बिल्कुल एक टिक्की का शेप दे देना है। तो देखिए इसी तरह से आपको इसका शेप देना है। तो बिल्कुल टिक्की जो है वो आपकी बनके रेडी है। तो बाकी की भी टिक्कियाँ आप इसी तरह से बना लीजिए। देखिए यहाँ पर हमने बाकी की भी टिक्कियाँ बना ली है। तो चलिए अभी चलते हैं इसे शैलो फ्राई करने की ओर। तो आपको यहाँ पर एक तवा ले लेना है और उसके ऊपर हम डालेंगे 1 चम्मच घी। तो घी को आप अच्छी तरह से मेल्ट होने दें और इसे आप अच्छे से ग्रीस कर लें। एक ब्रश की हेल्प से आप इसे अच्छे से ग्रीस कर लीजिए। और उसके बाद हमको इसमें डाल देना है हमारी टिक्कियाँ। तो इस तरह से आप टिक्की को इसमें डाल दीजिए और गैस की जो फ्लेम है वो आपको लो टू मीडियम ही रखना है। सारी टिक्कियों को हम ऊपर से भी थोड़ा सा घी से ग्रीस कर देंगे। तो इस तरह से आप ऊपर से भी थोड़ा ग्रीस कर दीजिए। तो 2 से 3 मिनट के लिए आप इसे अच्छे से पकने दें और उसके बाद ही हम इसका जो साइड है वो चेंज करेंगे। 2 से 3 मिनट यहाँ पर हो चुके हैं टिक्की को पकाते हुए। तो अब हम क्या करेंगे कि इसे पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी इसे पका लेंगे। तो देखिए बिल्कुल इसी तरह से आपको इसे पलट लेना है। तो बाकी की टिक्की का जो साइड है वो भी हम चेंज कर देंगे। तो 2 से 3 मिनट के लिए आप इस तरफ से भी टिक्की को अच्छे से पका लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जो हमारी टिक्की है वो बिल्कुल क्रिस्पी करारी सी बनके तैयार हो चुकी है। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल देंगे। तो बाकी की टिक्कियों को भी आप एक प्लेट में निकाल दीजिए और चलते हैं इसे हम गार्निश करने की ओर। चाट बनाने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले लेना है फ्रेश दही, ग्रीन चटनी हम लेंगे, इमली की चटनी हमें लगेगी, कुछ सेव और फ्रेश कोरिएंडर हम लेंगे। तो चलिए अभी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप प्लेट में टिक्कियाँ रख दीजिए और इसके ऊपर हम डालेंगे फ्रेश कर्ड। तो इस तरह से आप कर्ड इसके ऊपर डाल दीजिए। और अब हम इसमें डालेंगे ग्रीन चटनी।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखने से ही कितना ज़्यादा यमी, डिलीशियस और टेम्पटिंग सा लग रहा है। अब नेक्स्ट हमको इसमें डाल देना है इमली की चटनी। परफेक्ट। तो पापड़ी हमको यहाँ पर एक लेनी है, तो आप सबसे पहले इसको क्रश कर दीजिए और उसके बाद हम इसे ऊपर से ऐसे डाल देंगे। और इसे सेव ले लीजिए और इसे हम इसके ऊपर ऐसे डाल देंगे। तो देखिए कितनी परफेक्ट, बिल्कुल चौपाटी वाली हमारी आलू टिक्की चाट बनकर तैयार हो चुकी है। तो ऊपर से हम इसमें डालेंगे फ्रेश कोरिएंडर। तो धनिया पत्ता आप लीजिए और इसके ऊपर आप बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ऐसे स्प्रिंकल कर दीजिए। ऊपर से हम इसमें टॉपिंग कर देंगे अनारदाना, या तो फिर आप यहाँ पर चेरी भी यूज़ कर सकते हैं, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल तैयार है हमारी चौपाटी वाली क्रिस्पी, चटपटी, तीखी सी आलू टिक्की चाट। आप इसे एक बार तो ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगी। और आपको अगर मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जाते जाते बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा, इससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी में। टिल देन स्टे हैप्पी एंड ईट हेल्दी।